दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रेतनी का एपिसोड नंबर 2। पांचों दोस्त जब आशा के कमरे में गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि उसके कमरे में कितने सारे चूहे मरे पड़े थे और उसी जगह से वहां बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि चूहों के शरीर का मांस भी गायब था, मानो किसी ने उन्हें ऐसे ही खाकर फेंक दिया हो। सब लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले। सब दंग रह गए थे क्योंकि शाम को ही वहां से चूहों की आवाज आ रही थी और अभी अचानक उसके कमरे से इतने सारे चूहे मरे हुए थे। रजत ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे थे, इस घर में कुछ तो चल रहा है जो अजीब है। तभी उन्हें आवाज आई, कोई घर की तरफ आ रहा था, इसलिए पांचों दोस्त तुरंत अपने कमरे में चले गए। आशा घर में आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। फिर रात को करीब 1 बजे वापस किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। रजत की नींद खुली और उसने बाहर आकर देखा कि जमींदार वापस आ गया है। वो भी सीधे कमरे में चला गया और फिर कमरे से फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले ही दिन पांचों दोस्तों को घर के बाहर शोर सुनाई दिया। सब बाहर गए और उन्होंने देखा कि गांव वालों की भीड़ जमा थी और वो लोग कैसे बात पर चिल्ला रहे थे। जमींदार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जमींदार जी, हमारे घर के जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं। या तो उनकी लाशें चौराहे पर मिल रही हैं और वो भी कटी फटी अवस्था में। हमें शक है कि आपके घर आए मेहमान ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर पांचों दोस्तों के होश ही उड़ गए। रजत ने तुरंत कहा कि उनके पास ऐसा कुछ करने की वजह ही नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें ही दोषी ठहरा रहे थे ये कहकर कि शहरी लोगों को जानवरों का मांस वगैरह खाने का बहुत बड़ा शौक होता है। रजत ने जमींदार से कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो गांव को ठीक से देखा तक नहीं है। इतने में ही पवन और सुजीत के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने जमींदार से कहा, जमींदार जी, शक तो आपकी पत्नी पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हर रात को न जाने वो क्या करने के लिए गांव में भटकती रहती है। सारे गांव वाले ये बात सुनकर चुप पड़ गए और जमींदार को शक की निगाहों से देखने लगे। लेकिन जमींदार को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि आशा ऐसा नहीं कर सकती और वो जल्द से जल्द ये सब करने वाले असली गुनहगार को पकड़ लेगा। सारे गांव वाले तो वहां से चले गए और जमींदार ने पांचों दोस्तों को गुस्से से कहा कि कल शाम तक जमीन के कागजात उन्हें मिल जाएंगे, उसके बाद उन्हें यहां से निकलना होगा। ये कहकर वो भी आशा के पास चला गया। पांचों दोस्त उसके पीछे गए और कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। जमींदार ने आशा से कहा, देखो तुम अब रात को बाहर मत जाना, गांव वालों को शक हो गया है और अगर फिर से किसी ने तुम्हें देखा तो मुसीबत हो जाएगी। पांचों को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई थी कि वो दोनों कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पांचों दोस्तों को हैरानी में डाल दिया। रात को जब सब लोग सो चुके थे तब उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। पवन की नींद खुली, बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। फिर पवन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर पवन थोड़ा हैरान हो गया। वो वापस सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो आवाज सुनकर वो इधर उधर देखने लगा और उसकी नजर आशा पर गई, जो बरामदे में खड़ी थी और उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा कर रही थी। उसने पवन को एक अजीब सी मुस्कान दी और पवन उसकी तरफ जाने लगा। आशा भी वहां से पता नहीं कहां जाने लगी और पवन उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ऐसे ही वो पवन को घर की छत पर ले गई और रुक गई। तो पवन ने कहा, जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आशा उसकी ओर पलटी और कहने लगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है। ये सुनकर पवन चौंक गया। आशा उसके करीब जाने लगी और पवन को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। पवन ने कहा,
कि जमींदार को पता चल गया तो वो उसे मार देगा। लेकिन आशा नहीं मानी। उसने कहा कि वो जमींदार के साथ अब और नहीं रहना चाहती और वो पवन से प्यार करती है। पवन उसकी बातों से बिल्कुल हैरान हो गया था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसने अपने दांत उसके हाथ में घुसा दिए। पवन जोर से चीखा और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशा उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसके हाथ से खून बहने लगा। इस चक्कर में पवन छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, आशा ने उसे धक्का दे दिया और वो छत से नीचे गिर गया। तभी वो नींद से जागकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके चारों दोस्त उठ गए। उन्होंने देखा कि पवन चिल्ला रहा था। चारों उसका ऐसा बर्ताव देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे शांत कराया और तब पवन को एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो हकीकत नहीं था। वो ना तो छत पर था और ना ही छत से गिरा था। तो रजत ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। जब वो शांत हुआ तो चारों दोस्त वापस से सो गए, लेकिन पवन की नींद ये देख कर उड़ गई कि उसके हाथ में किसी के दांतों के निशान सच में थे। अब उसकी सांसें अटक गई और बहुत पसीना आने लगा। उसको समझ आना बंद हो गया कि वो सपना था या हकीकत। सारी रात वो उस बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन जब पांचों दोस्त नाश्ता करने के लिए बैठे तो जमींदार की पत्नी उन्हें नाश्ता परोस रही थी और तभी वो पवन की ओर देखकर मुस्कुराई। ये वैसी ही हंसी थी जो रात को उसने अपने सपने में देखी थी। पवन डर गया, वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। नाश्ता करने के बाद जमींदार ने कहा कि आज शाम तक उन्हें कागजात मिल जाएंगे और रजत ने कहा कि वो लोग भी शाम को ही वहां से निकल जाएंगे। पर उस शाम को किसी कारण से जमींदार को जमीन के कागजात नहीं मिल पाए और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। उसे कहा गया कि जमीन के कागजात मिलने में अभी 2 दिन का समय लग जाएगा, यानी पांचों दोस्तों को वहां 2 दिन और रहना था। लेकिन पवन ये जानकर और डर गया, क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। उसने रजत को भी ये बात बोली, लेकिन रजत ने कहा कि बस 2 दिन की ही तो बात है और वो लोग बिना जमीन के कागज लिए जा भी नहीं सकते। पवन के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों के शक के कारण अब जमींदार की पत्नी घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बर्ताव में कुछ बदलाव सा रहा था। वो अब बहुत गुस्से में रहने लगी थी और ये देखकर न जाने क्यों जमींदार के पसीने छूट रहे थे। उस रात पांचों दोस्त जब कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तब उन्हें जमींदार के कमरे से आवाज सुनाई दी। वो लोग बाहर गए तो देखा कि कमरे से ऐसी आवाज आ रही है कि कोई गुस्से में चीजें पटक रहा है। तभी जमींदार कमरे से अचानक बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। पांचों उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। जमींदार ने घबराते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से आशा की अजीब सी आवाज आ रही थी। जमींदार तुरंत घर के बाहर भागा और पांचों उसे देखते ही रह गए। फिर कुछ देर के बाद जमींदार घर आया और उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था जिसमें न जाने पता नहीं क्या था। पांचों दोस्त छुपकर सब देख रहे थे, इसलिए जमींदार को पता नहीं चला। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उस बोरे को लेकर अंदर चला गया और अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ गया। उसके आने से पहले आशा अजीब सी आवाज निकाल रही थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से जमींदार कमरे से वही बोरा लेकर निकला और घर के बाहर चला गया। पांचों दोस्त भी चोरी छुपे उसके पीछे गए। जमींदार घर के पीछे वाले खाली पड़े जगह पर गया और एक गड्ढा खोदने लगा। फिर उसने उस बोरे को उस गड्ढे में डाला और उसे वहां दफन करके लौट गया। उसके जाने के बाद पांचों दोस्त दोबारा उस जगह को खोदने लगे। उन्होंने उस बोरे को निकाला और उसे खोला और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनका दिल दहल गया। उस बोरे में एक लाश थी जिसके शरीर के कई हिस्से के मांस को निकाला गया था। वो लाश जली हुई थी और ये देखकर उन सभी दोस्तों की हालत ऐसी खराब हुई जो कि बयान भी नहीं कर सकते। ये देखकर पवन ने कहा
मैंने कहा था ना, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। रजत, छोड़ यार इनकी जमीन, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं यार। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे भी बहुत डर लग रहा था। तभी रजत ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो बुरी तरह से डर गया। सब लोगों ने उसके चेहरे के भाव को नोटिस किया और जब उन्होंने पीछे की ओर नजर डाली तो उनके भी होश उड़ गए। सामने जमींदार खड़ा हुआ था और बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है जो तुम लोगों को नहीं देखना चाहिए था, और अब मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तुम सब अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम लोगों को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। सत्यम, रजत, कबीर, पवन और सुजीत समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सब लोगों ने जमींदार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमींदार के हाथ में बंदूक थी और इस वजह से ना वो भागने की कोशिश कर पा रहे थे और ना ही उससे कुछ कहने की। जमींदार उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और सबकी हालत खराब हो रही थी। इतने में ही जमींदार ने बंदूक चलाई, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और मुड़ गया, जिससे जमींदार का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। जमींदार सीधे जमीन में पड़े कुदाल के ऊपर गिर पड़ा जो उसके पेट में घुस गया। पांचों दोस्त ये देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पेट में कुदाल घुसने के कारण वो जोर से चीखा और उसी वक्त वहीं मर गया। सत्यम ने कहा, अब क्या करें, कहीं इसकी मौत का इल्जाम हम पर न लग जाए। रजत, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना गांव वाले ही हमें मार देंगे। वो लोग वहां से निकल ही रहे थे कि तभी रजत को कॉल आया। रजत ने देखा कि उसके पिता का कॉल आया है। उसने तुरंत कॉल उठाया और उन्हें सारी बात बताने ही वाला था कि उससे पहले उसके पिता ने कहा, अरे कहाँ पहुंचे तुम लोग? पाताल पानी से जमींदार का कॉल आया था और उसने कहा कि अभी तक तुम लोग गांव नहीं पहुंचे हो। अरे इतने दिनों से कहाँ हो तुम लोग? अब ये रजत के लिए एक और बड़ा झटका था। उसका सर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। उसने अपने पिता को सारी बात शुरू से बताई और उसके पिता सब जानकर चौंक गए। उन्होंने रजत को तुरंत वहां से शहर वापस आने को कहा। रजत मान गया और अपने दोस्तों के साथ पहले उसने जमींदार की लाश को उसी गड्ढे में डालकर दफन किया और फिर वहां से शहर जाने के लिए निकल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये पाताल पानी गांव नहीं था तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें ये क्यों कहा कि ये वही गांव है, और इतना बड़ा इत्तफाक कैसे हो सकता है कि इस गांव के जमींदार को भी अपनी जमीन बेचनी थी। फिर वापस जाते समय कबीर की नजर गांव के नाम के बोर्ड पर गई जो आते समय दिखाई नहीं दी थी। उस बोर्ड में गांव का नाम लिखा था पतर पाली। दोनों गांव के नाम मिलते जुलते थे और तब जाकर रजत को समझ आया कि शायद मिलते जुलते नाम की वजह से शुरुआत में उस बूढ़ी औरत ने गलत नाम सुन लिया और रजत को कहा कि ये पाताल पानी है। रजत अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो लोग किसी और गांव में कैसे पहुंच गए और उनके सामने वहां जमींदार की मौत भी हो गई। सबको बहुत भयंकर डर लग रहा था कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी का अंत है? क्या शहर जाने के बाद रजत और उसके दोस्तों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, या उसके बाद भी उनकी जिंदगी में नया मोड़ आएगा? क्या आशा को जमींदार की मौत का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो क्या करेगी वो? अभी भी बहुत से सवालों का जवाब पाना बाकी है, और इसी के साथ अभी इस कहानी में छुपा ऐसा रहस्य बाहर आने वाला है जो पांचों दोस्तों के ही नहीं बल्कि आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ये सारे रहस्य कहानी के आने वाले एपिसोड्स में खुलेगा, और इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में एक नए मोड़ के साथ।
Thank you.